जैसे जैसे 1 अप्रैल पास आ रही है, क्रिप्टो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स को टेंशन होने लगी है अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कई लोगों के माइंड में अभी भी बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है क्रिप्टो टैक्स को लेकर। आज इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। आपको अपने हर छोटे बड़े सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, लाइक कैसे हमें 30% टैक्स देना होगा, 1% TDS क्यों और किस लिए कटेगा, अगर हम क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं तो किसको टैक्स देना होगा, डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट्स क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम डोमेस्टिक एक्सचेंज को छोड़कर फॉरेन एक्सचेंज का यूज करें तो क्या हम क्रिप्टो टैक्स से बच सकते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। वेलकम टू माई चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में चल रहा है वो है कि टैक्स लगेगा किस पर, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर या टोटल प्रॉफिट पर। इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जो आपका टोटल प्रॉफिट होगा आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा, ना कि आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। बट जो आपका TDS है 1%, वो आपकी टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू पर लगेगा। सेकंड एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 30% टैक्स हमें कैसे कैलकुलेट एंड पे करना होगा। इसे हम सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आप इजिली समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने 1 जुलाई 2022 को 1 लाख का बिटकॉइन बाय किया और नेक्स्ट मंथ 1 अगस्त को आपकी अपनी इस इन्वेस्टमेंट पर 50,000 का लॉस हुआ, जिसको आपने बुक कर लिया और आपने बिटकॉइन को सेल कर दिया 50,000 के लॉस पर। बट जैसा कि मैंने आपको बताया 1% TDS डिडक्ट होगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू पर, 50,000 का 1% हुआ 500, तो आपको फंड्स मिलेंगे 49,500 1% TDS डिडक्ट करने के बाद। अब आपके पास फंड्स है 49,500। 1 अगस्त को ही आपने इस फंड से इथेरियम बाय कर लिए, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 80,000 हो गई, जिसको आपने सेल कर दिया और 1% TDS डिडक्ट होने के बाद आपको मिले 79,200 रुपीज। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं तो 50,000 का लॉस हमें बिटकॉइन में हुआ एंड 500 TDS में डिडक्ट हुए। इथेरियम में अभी 30,500 का प्रॉफिट हुआ और 800 रुपए TDX में डिडक्ट हुए। टोटल लॉस हुआ हमें 50,000 माइनस 30,500, यानी कि टोटल 19,500, और जो टोटल TDS हमने पे किया वो था 1,300 रुपए। इस फाइनेंशियल ईयर में हमें लॉस हुआ, इसलिए हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है एंड टैक्स फाइल रिटर्न भरने पर आपको TDS रिफंड हो जाएंगे जो आपने पे किए थे। नेक्स्ट ईयर आपने फिर से इथेरियम में 1 लाख इन्वेस्ट किया, जिसको आपने 1,40,000 पर सेल कर दिया, 1% TDX हुआ इस पर 1,400 रुपए। उसके बाद आपने फुल ईयर क्रिप्टो में कोई ट्रांजैक्शन और ट्रेड नहीं किया, इस ईयर आपको प्रॉफिट हुआ 40,000 और लास्ट ईयर आपका क्रिप्टो इन्वेस्टिंग में लॉस हुआ था 19,500। उसे हम इसमें से डिडक्ट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बनता है 20,500। 20,500 पर हमारा 30% टैक्स लगता है, जो बनता है 6,150। टेक्निकली आपका टैक्स होना चाहिए 6,150, पर गवर्नमेंट ने एक रूल इसमें ऐड किया है कि आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर पर। यह बेनिफिट आपको मिलता है बिजनेस करने पर, म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में इन्वेस्ट करने पर, बट डिजिटल एसेट पर आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जो टैक्स पे करना होगा वो डायरेक्टली आपके टोटल प्रॉफिट पर लगेगा, जो कि बनता है 40,000 रुपए। 40,000 का 30% टैक्स बनता है 12,000 रुपए एंड 1,400 रुपए आपने पहले ही ट्रांजैक्शन वैल्यू में से डिडक्ट कर दिए थे, इसलिए अब आपको पे करने होंगे 10,600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1% TDS लगने के पीछे का क्या रीजन है। अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज करते हो तो जब भी आप अपनी किसी भी क्रिप्टो को सेल करते हो तब आपका 1% TDS कट होगा। आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस ये बात मैटर नहीं करती है, आपकी सेलिंग वैल्यू पर TDS कट होगा। जब आपका TDS कट होगा तो गवर्नमेंट को नोटिस जाएगा कि आपने कोई ट्रेड किया है, जिसकी इन्फो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी थ्रू दी एक्सचेंजेस, क्योंकि सभी इंडियन एक्सचेंजेस ने पैन कार्ड आधार कार्ड को कंपलसरी करा हुआ है। क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट को आपकी ट्रेड्स की इन्फो प्रोवाइड करे। 1% TDS कट होने का मतलब है गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी TDS से रिलेटेड है। कई लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम आ रही है कि टैक्स प्लस TDS गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपने 1 लाख की क्रिप्टो सेल की,
आपका TDS हुआ 1% के अकॉर्डिंग 1,000। जो आपने 1,00,000 की क्रिप्टो सेल की थी उसमें से 20,000 आपका प्रॉफिट था, तो 20,000 का 30% हुआ 6,000 रुपए। बट जब आपको टैक्स रिटर्न पे करना है तब आप ओनली 5,000 ही टैक्स पे करोगे, क्योंकि 1,000 आप ऑलरेडी एज अ TDS पे कर चुके हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स प्लस TDS कलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या फॉरेन एक्सचेंजेस लाइक बाइनेंस बिटमार्ट का यूज करके आप टैक्स से बच सकते हो? वैसे तो आप चाहे इंडियन बेस्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस का यूज करो या फॉरेन बेस्ड, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट होता है तो आप टैक्स पे करने के लिए लायबल हो। बट इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल टास्क होगा कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस को अपने टर्म एंड कंडीशन के साथ KYC करवाना, बिकॉज KYC में आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों का यूज होगा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपकी ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाएगी। बट जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है आपकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना थोड़े टाइम के लिए। बट गवर्नमेंट इसका भी कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल लेगी, इसलिए आप शॉर्ट टर्म के लिए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पर मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप इस क्रिप्टो टैक्स से बच सकते हो? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज यूज करते हो तो आप टैक्स पे करने से बच नहीं सकते। क्रिप्टो लॉज सभी इंडियन एक्सचेंजेस को फॉलो करने ही पड़ेंगे, तो यस, आपको क्रिप्टो प्रॉफिट पर टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो टैक्स पे करने में कोई हर्ज भी नहीं है। अभी के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है फॉरेन एक्सचेंजेस। आप वहां शिफ्ट कर सकते हो क्योंकि फिलहाल के लिए वो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा आप 10% टैक्स सेव कर सकते हो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हो। लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 36 मंथ, यानी कि 3 साल से ज्यादा अगर आप क्रिप्टो होल्ड करके रखते हो तो आपको जो टैक्स पे करना होगा वो होगा 20%। इस तरह से आप क्रिप्टो में टैक्स सेव कर सकते हो 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप किसी को क्रिप्टो गिफ्ट करके टैक्स सेव कर सकते हो? इसका जवाब भी नो है। क्रिप्टो गिफ्ट को भी एक तरह की ट्रांजैक्शन में ही इंक्लूड किया है गवर्नमेंट ने। इसका मतलब है अगर आप किसी को क्रिप्टो गिफ्ट करते हो तो जिसको वो क्रिप्टो रिसीव होगी उसी को 30% टैक्स पे करना होगा उस क्रिप्टो गिफ्ट की टोटल वैल्यू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कब से लगेगा क्रिप्टो टैक्स? क्रिप्टो टैक्स है जो इंडिया में वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और 22-23 के फाइनेंशियल ईयर का जो क्रिप्टो टैक्स होगा वो आपको टैक्स फाइल रिटर्न करते टाइम पे करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंस रखा है डिजिटल एसेट एंड डिजिटल करेंसी में? गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है वो लगाया है डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी पर, लाइक बिटकॉइन इथेरियम। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी नहीं मान रही है, गवर्नमेंट के लिए वो एक डिजिटल एसेट है जिस पर आपको फिक्स 30% टैक्स देना होगा। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि अब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर रही है तो क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है? तो इसका जवाब है नहीं। गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है, गवर्नमेंट उसी को डिजिटल करेंसी मानेगी जिसे RBI लॉन्च करेगा, जिसका मतलब है क्रिप्टो करेंसी अभी भी इंडिया में लीगल नहीं है क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने डिजिटल एसेट में इंक्लूड किया है। इसलिए कोई आपसे कहे कि अब तो क्रिप्टो करेंसी लीगल हो गई है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप क्रिप्टो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके माइंड में उनके आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। कैसे हमें 30% टैक्स देना होगा, 1% TDS क्यों और किस लिए कट होगा, अगर हम क्रिप्टो किसी को गिफ्ट करते हैं तो क्या हम टैक्स से बच जाएंगे, डिजिटल करेंसी और डिजिटल एसेट क्या है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर हम डोमेस्टिक एक्सचेंज को छोड़कर फॉरेन एक्सचेंज का यूज करेंगे तो क्या हम टैक्स सेव कर सकते हैं, ऐसे तमाम छोटे बड़े सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैंने दे दिए है। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।